जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो नाम लेकर नवाज शरीफ का अटैक करते थे, वो वजीर आजम बन चुके थे पाकिस्तान का, हर दूसरी तकरीर में कहते थे मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, पाकिस्तान दुश्मनी पे पूरी कैंपेन लड़ी, फिर भी चले ठीक है, बड़ा दिल करके वहां पर चले गए। लेकिन जिस वक्त वहां पर वो बैठे और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के बिजनेसमैन से मिलने को तैयार हूं लेकिन मैं हुर्रियत के लीडर्स के साथ नहीं मिलूंगा, ऐसे कभी भी अमन नहीं आएगा यहां पर। जब पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी, जो भी मर्जी वजीर आजम हो, पाकिस्तान की हुकूमत चाहे कोई हुकूमत हो, जब वो खुददारी से बात करेगी, जब वो पाकिस्तान की और कश्मीरियों के हक की बात करेगी, इंसाफ की बात करेगी, चाहे साथ पड़ोसी कितना आपसे बड़ा ना हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर इज्जत अबरू के साथ अमन की बात करेगी, सारी कौम साथ देगी। लेकिन कश्मीरियों ने 70,000 शहीद दफन कर दिए हैं, उन्होंने आज तक सर नहीं झुकाया, कभी पाकिस्तान सर नहीं झुकाएगा। अगर कोई समझता है कि वो अपनी फौज की बुनियाद पर, अपनी बड़ी मईशत होने की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को दोस्त जबरदस्ती से हरासा करके झुका सकता है, ये उनका ख्याल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और कश्मीरी अपना हक और इंसाफ हासिल करेंगे।